दोस्तों स्वागत है आपका नॉलेज कोच यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टैली में कितनी तरह की एंट्रीज होती हैं, या ऐसे बोले या अकाउंट्स में कितनी तरह की एंट्रीज होती हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेमेंट एंट्रीज की। हम जब भी अपने किसी सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं तो दो तरह से हम पेमेंट्स करते हैं, या तो हम बैंक से पेमेंट करते हैं या फिर कैश से पेमेंट करते हैं। जब हम बैंक से पेमेंट करते हैं तो उसे हम बैंक पेमेंट्स वाउचर में डालते हैं। जब हम कैश से पेमेंट करते हैं तो उसे हम कैश पेमेंट वाउचर में डालते हैं। ये सभी एंट्री जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसे टैली में कैसे एंट्री कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ आपको इसकी ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि एंट्रीज कितनी तरह की होती है। तो दोस्तों ये बात हुई पेमेंट एंट्रीज की। अगली हम एंट्री बात करते हैं रिसिप्ट एंट्री। जैसे हमने पेमेंट से एंट्री की बात की, या तो हम बैंक से पेमेंट करते हैं या कैश से पेमेंट करते हैं। ऐसे हम जब हमारे कोई किसी अपने पेमेंट रिसिप्ट करते हैं, या तो बैंक में रिसिप्ट करते हैं या फिर कैश में रिसिप्ट करते हैं। अगर अमाउंट डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डिपोजिट करा रहे हैं तो उसे बैंक रिसिप्ट में एंट्री डालेंगे। अगर वो कैश डिपोजिट करा रहे हैं तो उसकी हम कैश रिसिप्ट में एंट्री डालेंगे। दोस्तों इससे अगले हम बात करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? जब हम किसी इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहती, या तो हम अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, यानी कि हमारा एक SBI में अकाउंट है दूसरा PNB में अकाउंट है। अगर हम SBI से PNB में अमाउंट ट्रांसफर करा रहे हैं, PNB से SBI में अमाउंट ट्रांसफर करा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। दूसरी ऐसे ही अगर हम बैंक से कैश विड्रॉल करा रहे हैं या बैंक में कैश डिपोजिट करा रहे हैं तो उस केस में भी हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहती। दोस्तों इससे अगले हमारी एंट्री आती है परचेज एंट्री। दोस्तों परचेज एंट्री जब भी हम परचेज करते हैं दो केस में दो तरह से करते हैं, या तो क्रेडिट उधार पे परचेज करते हैं या नगद पे कैश परचेज करते हैं। अगर हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो उस केस में हमें जो सप्लायर है उसे क्रेडिट करना होगा। अगर हम कैश परचेज कर रहे हैं तो उस केस में हमें कैश को क्रेडिट करना होगा। दोस्तों उससे अगली हमारी एंट्रीज आती है सेल एंट्रीज। हमारी सेल एंट्री भी दो तरह की होती है, या तो हम उधार पे सेल करते हैं या फिर नगद सेल करते हैं। ऐसे ही अगर हम उधार सेल कर रहे हैं, हम डेबिट करेंगे तो अपने कस्टमर को डेबिट करेंगे। अगर हम नगद सेल कर रहे हैं तो उस केस में हम कैश को डेबिट करते हैं। दोस्तों उससे अगली हमारी एंट्री आती है डेबिट नोट। दोस्तों डेबिट नोट हमें किस केस में इशू करना होता है? जब हम सप्लायर से माल लेते हैं या उसकी क्वालिटी के कारण कोई डिफरेंस आ जाता है, या वो एक्स्ट्रा रेट चार्ज कर लेता है, PO के अनुसार हमारा रेट नहीं होता, तो उस केस में हमें उसे डेबिट नोट इशू करना होता है। तो ये एंट्री हम डेबिट नोट में करते हैं। उससे अगली एंट्री हमारी होती है क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट किस केस में हम करते हैं? ये जैसे कि हमें किसी अपने जो हमारे कस्टमर है उसे हम कैश डिस्काउंट देते हैं, उस केस में भी हम उसे क्रेडिट नोट इशू करना होगा। या फिर हमने कोई इनवॉइस कोई मटेरियल उसे सेल किया, उसमें कुछ रेट का डिफरेंस आ गया, या फिर उसकी क्वालिटी में कोई क्वालिटी की वजह से कुछ रिजेक्शन होगी, उस केस में भी हमें अपना जो कस्टमर है उसे क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। दोस्तों हमारी लास्ट और एंट्री आती है जर्नल एंट्री। दोस्तों जो भी अभी मैंने आपको सारी एंट्री बताई, पेमेंट रिसीव, कॉन्ट्रा, परचेज, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसके अलावा अगर कोई एंट्री आपकी इन सभी एंट्रीज में नहीं आ रही तो उस केस में हमें जनरल एंट्री करनी होती है। ओके दोस्तों थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।